नाक बताती है आपकी जिंदगी का रहस्य। नाक किसी प्राणी के शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसी के सहारे वह प्राण वायु को खींचता और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकता है, अर्थात सांस लेता है। नाक के सहारे ही वह सुगंध से प्रभावित होता है और दुर्गंध से बचता है। सिर्फ यही नहीं, नाक ही वस्तुओं व पदार्थों में अंतर करना बताती है। इस अर्थ में सचमुच नाक शरीर शास्त्रियों के अनुसार चेहरे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु शरीर आकृति वैज्ञानिक मनुष्य की नाक को व्यक्ति के स्वभाव का चिन्ह मानते हैं। उनके अनुसार नाक की आकृति देखकर मानव की प्रकृति की जानकारी हो सकती है। यह सही है कि भौगोलिक प्रभावों अनुवांशिक गुणों के कारण इसके आकार में काफी अंतर पाया जाता है, फिर भी इसके परिणाम सामान्य ही आते हैं। आइए जानते हैं नाक की आकृति से व्यक्ति का स्वभाव। बीच में गोलाई लिए तोते की चोंच जैसी नाक वाले स्वयोगी जिम्मेदार होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये जितना अधिकार के प्रति जागरूक होते हैं उतना ही अपना कर्तव्य पूरा करने में भी। मोटी नाक वाले शरीर की दृष्टि से बलवान माने जाते हैं, जबकि पतली नाक वाले कमजोर। मोटी तथा उभरी नाक वाले धनी गुणवान बहादुर एवं अधिकारी मानने के गुण वाले होते हैं। भारतीय परंपरा में देवताओं को उभरी नाक वाले ही चरित्र किया गया था। इतिहास में उल्लेखित महान योद्धाओं चंद्रगुप्त, राणा सोघा, महाराणा प्रताप तथा वीर शिवाजी की नाक अधिकांश पेंटिंग में ऐसी ही दिखाई जाती है। बड़े चेहरे पर छोटी नाक या छोटे चेहरे पर बड़ी नाक समकालु चरित्र वाले की निशानी है। ऐसे व्यक्ति व्यवस्थित नहीं होते हैं। पतली नाक के बड़े नथुले तथा मोटी नाक के छोटे नथुने, लंबाई से अधिक चौड़ी और चौड़ाई से अधिक लंबी नाक वाले कमजोर दिल व कमजोर दिमाग के होते हैं। सीधी पतली लंबी तथा समान आकार नाक वाले चरित्रवान मर्यादा पालक, कला प्रिय एवं उत्साही माने जाते हैं। जिनकी नाक पतली और लंबी होते हुए भी टेढ़ी व बेडोल हो, वे खुदगर्ज निष्ठुर तथा शुभ स्वभाव के माने जाते हैं। चिपटी नाक वाले लोग जिनकी नाक की जड़ ज्यादा दबी हो वह बौने व्यक्तित्व के माने जाते हैं, लेकिन अगर चिपटी नाक बिल्कुल सीधी हो तो व्यक्ति कलाकार वाकपुट तथा गुणों से संपन्न होगा। चपटी नाक से ऊपर झुकी हुई बोहें और आगे की ओर निकले ललाट वाले अन्वेषक दूरदर्शनी तथा शोध करने वाले होते हैं। औसत आकार की नाक जिसका बीच वाला हिस्सा मोटा हो वो व्यक्ति सोच विचार करने वाले होते हैं और पत्र लिखने में तो उन्हें महारत हासिल रहती है। चपटे नथुने वाले डरपोक तथा कमजोर स्वभाव के तथा चौड़े और फूले नथुने वाले भावुक एवं कामुक स्वभाव के होते हैं। यह तिल का तार बनाने में माहिर होते हैं। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।